हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पाइसी इंडिया। तो लीजिए जनाब, आज आ गए हैं कहाँ पे, मुगल कनाल में मद्रासी डोसे वाले पे। और ये काफ़ी फेमस है यहाँ पे, आप लोगों ने मतलब सुना भी होगा इनके बारे में, आप आए भी होंगे यहाँ पे इनका टेस्ट करने। तो ये हमारे भैया हैं, ये डोसा बना रहे हैं, ये वो पेस्ट है डोसे वाला। ये यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, ओनियन, टमाटर, वो उस दूसरी साइड जो है वो आलू वाला जो है मिक्सचर है कुछ, जो इन्होंने तैयार कर रखा है। भैया बटर पनीर वाला बनाना, ठीक है सर। ठीक है सर। कितना टाइम हो गया अभी आपको यहाँ पे? हमारा 21 साल हो गया। 21 साल। ये इतना सारा बटर डाल रहा हाँ सर। है? अरे वाह, क्या बात है। ये कौन सी कंपनी का बटर है भैया? ये अमूल का सर। अमूल का बटर यूज़ करते हो? ठीक है भैया। अरे वाह, इतना बटर एक डोसे पे, वाह। और ये इस पे क्या लगाया, इधर वाले पे? सर अच्छा, इधर से हो। ये आलू का मिक्सचर है, ये आलू का मिक्सचर हमारा। कितने साल हो गया भैया यहाँ पे? हमारा जो करनाल में 21 साल हो गए। 21 साल। 99 में आया। अच्छा, आपकी एक ब्रांच यमुना नगर में भी है ना? नहीं सर, हमारा करनाल वहाँ पे है एक मद्रासी डोसे के नाम से। हाँ में हरियाणा में 21 साल है। अच्छा, करनाल हरियाणा में। अच्छा, दोनों पे यही लगता है सेम। तो सुबह किस टाइम ओपन हो जाती है आपकी शॉप? 12 बजे करीब हो 12 बजे। अच्छा, वो फिर रात को किस टाइम तक रहते हो? 10:30-10 बजे। हाँ 10:30-10 बजे तक। ओके, ये लग रहा है भाई हमारे डोसे। और ये आया पनीर, अरे वाह भाई, बारिश कर दी पनीर की तो पूरी। ये गजब है, वाह। ये ओनियन डाले भैया? ये ओनियन हो गए भाई। और ये हमको कुछ, ये किस चीज़ की ग्रेवी है भैया? ये नमक मसाला। नमक मसाले की। अच्छा, ये डल गई भाई नमक मसाले की ग्रेवी। मिक्स कर रहे हैं भैया इसको। अभी 2 दिन को और लॉकडाउन कर दिया हाँ सर, दो है दिन ना, और फिर मिल जाए। काम के नाश मार दिया हाँ बिल्कुल दोबारा। सर, हाँ, सर पैकिंग पैकिंग चल रहा है सर। जोमेटो पैकिंग चल रहा है अभी, टेक अवे सिस्टम रखा हुआ है आपने। अच्छा, आपका जोमेटो पे भी है? पे भी है। जोमेटो स्विगी दोनों पे। अच्छा, कितना टाइम लगता है भैया एक बनने में? कम से कम 10 मिनट या 6 मिनट। 6 से 7 मिनट तक हो जाता है। तोरे बोरे ना अच्छा, पोया। हाँ भैया ये जो पेस्ट होता है ये चावल से तैयार होता है ना? सर, चावल और दाल उड़द की दाल। चावल और उड़द की दाल से। हाँ सर। अच्छा, ये काट दिया भैया ने। ये किसी कस्टमर का है, ये हमारा नहीं है। हमारा ये वाला भी थोड़ा टाइम लेगा, इस पे मटेरियल ज़्यादा लगा हुआ है इसलिए। तो अभी जो डोसा जो अभी गया है तैयार होके, वो जोमेटो से ऑर्डर था, वो रहे हमारे जोमेटो वाले भैया। तो चलता रहता है इनका काफ़ी, जोमेटो पे, स्विगी पे, दोनों पे है। आप ऑनलाइन भी ऑर्डर करके इनसे मंगवा सकते हो। तो भैया क्या प्राइस है इसका, हमारे वाला जो बन रहा है? ये 120 120। ये 120 रुपये का भाई पड़ेगा आपको यहाँ पे। और होए 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 भाई साहब, काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है भाई, ये काट दिया भैया ने। हाँ हाँ ये हो गया। हाँ जी, हाँ जी, खाना है सर। प्लेट प्लेट ये हमारी, ये प्लेटिंग हो रही है। ये गया, ये दूसरा पीस, ये हो गया भाई। तो ये देखिए जनाब, हमारी जो है प्लेटिंग हो चुकी है यहाँ पे। ये हमारा जो पनीर बटर वाला जो हमारा डोसा है वो रहा। और ये इनकी चटनी है भाई, नारियल वाली, नारियल की चटनी, और ये मेरी बहुत फेवरेट है भाई। और ये जो है इनकी बनती है, ये भी चटनी है, ये बनती है उससे
गाजर से और टमाटर से, इन दोनों को पेस्ट होके उसमें मसाले वगैरह डाल के चटनी तैयार होती है। और इसे देख कर आप समझ ही गए होंगे क्या चीज़ है। ये मेन है, ये सांभर है भाई, ठीक है। और ये मिक्स वेज से तैयार होता है, इसमें बहुत मतलब कि काफ़ी वैरायटी सब्जी की यूज़ होती है, तब जाके ये तैयार होता है। काफ़ी जो भी डलता है इसमें मसाले वगैरह, इनका काफ़ी नाम सुना था इसलिए मैं यहाँ पे आज इनका टेस्ट करने आया हूँ। और ये है, ओहो भाई साहब, इसको समझ नहीं आ रहा कहाँ से खाना शुरू करूँ। कितना अरे वाह, काफ़ी क्रिस्पी है। ये हमारी वो चटनी, मेरी फेवरेट वाली चटनी, ये सांबर। एक बाइट में ही पैसा वसूल है यहाँ पे। काफी बढ़िया टेस्ट है इनका, मतलब जैसा मैंने एक्सेप्ट किया था कि मेरे को वहां ऐसा मिलेगा तो वो मिल चुका है भाई। वाह, अब एक बार इस वाली चटनी के साथ ट्राई करता हूँ। इसमें से पनीर का पूरा पूरा फ्लेवर आ रहा है, और दोनों चटनियां जो है वो है काफी बढ़िया। ये नारियल का अपना जो इसका टेस्ट है वो एक अलग टेस्ट है, और इसका खुद का एक अलग टेस्ट है। और ये सांभर है, इसमें से मतलब लग रहा है कि भाई हाँ सारी सब्जियां जो हैं इसमें मिक्स हैं अच्छे से। तो ठीक है गाइस, ये भैया जो है मुगल कनाल में खड़े होते हैं, इनकी शॉप का नंबर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुगल कनाल है, मद्रासी डोसे वाले, आप जानते होंगे जितने बंदे करनाल से हैं सब जानते हैं। तो आओ यहाँ पे विजिट करो, इस एरिया में कभी आओ तो इनका ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छा टेस्ट है इनका। ठीक है, तो मैं थोड़ा खाने पे ध्यान देता हूँ भाई, खाना सामने और मैं रुक जाऊँ ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है गाइस, बाय बाय।